वालेकुम मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं आज 25 मार्च 2023 हज़ार दिन है जी सैटरडे हफ्ते का दिसंबर 2010 की एक शुभ टूनीशिया के अंदर भी जिसे कहा जाता है यहाँ पर एक यतीम रेड़ी बान नौजवान मोहम्मद अलबू अजीज़ी ये निकलता है हर सुबह की तरह इसकी सुबह का आगाज़ होता है कि इसने अपने कारोबार का आगाज़ करना है फलों की रेड़ी ये लगाया करता था नौजवान इसके सर पर इसकी माँ और बहनों की ज़िम्मेदारी भी थी तो ये अपनी रेड़ी लगाता है लेकिन हर चीज़ रूटीन की तरह नहीं रहती इसकी रेड़ी पर पुलिस आती है एक खातून पुलिस एहलकार भी साथ होती है और वो इसे कहते हैं कि तुम्हारे पास परमिट नहीं है यहाँ पर रेडी लगाने का इस नौजवान के मुताबिक पुलिस उससे रिश्वत मांग रही थी और यह नौजवान बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था क्योंकि तनीशिया के अंदर हकूमत थी दो हज़ार दस में जैन अबिदीन बिन अली की और सिर्फ दो हज़ार दस में नहीं बल्कि गुज्त तेईस सालों से यही शख्स इकतदार काबिज था और आवाम भी ना सिर्फ इस हुक्मरान बल्कि अपने मुल्क के अंदर करप्शन जैसे मसाइल से तंग आ चुकी थी अब पुलिस इसे कहती है रेडी हटाओ या फिर रिश्वत दो और ये नौजवान इनकार करता है जिसकी वजह से ना सिर्फ इसे थप्पड़ रसीद किए जाते हैं बल्कि इसकी रेड़ी भी जब्त कर ली जाती है नौजवान मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाता है हकूमती दरवाजों पर जाता है लेकिन कहीं पर इसकी सुनवाई नहीं होती और आखिरकार सत्रह दिसंबर दो हजार दस को यह नौजवान मोहम्मद अलबू अजीज़ी ये खुदकुशी कर लेता है खुद पर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लेता है एक हकूमती बिल्डिंग के सामने इस खुदकुशी की वजह से तनिशिया के अंदर मुजाहरे फूट पड़ते हैं आज़ादी चौक के ऊपर नौजवान इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और जैन अबिदीन बिन अली को अदराक हो जाता है कि उनका इकतदार जो तवील इकतदार है वो ख़तरे में पड़ सकता है इसलिए ज़ैन अबद्दीन बिन अली हस्पता भी जाते हैं इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं उस ऑफ़िसर को सस्पेंड भी किया जाता है और इस नौजवान की फैमिली से वादे भी किए जाते हैं लेकिन हालात तब खराब होते हैं जब 4 जनवरी 2011 को ये नौजवान खाली के हकीकी से जा मिलता है और उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ज़ैनलाबिदीन बिन अली केदार के की जिसका इख्ताम होता है चौदह जनवरी दो हज़ार ग्यारह को जैनलाब्दीन बिन अली अपना तवील इकतदार छोड़कर सऊदी अरब फरार हो जाते हैं और तुनिशिया के अंदर एक इनकलाब आ जाता है और यहाँ से शुरू होता है अरब स्प्रिंग इस वाक़े से अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ था जो कि ये जो आपको ममालिक नज़र आ रहे हैं तुनिशिया के साथ इजिप्ट फिर लीबिया यमन सीरिया यहाँ तक ये यह मुजाहरे फूटते हैं जाहिर है जो पड़ोसी ममालिक थे उन्होंने देखा कि तुनिशिया के अंदर एक ख़ुदकुशी हुई और उसके उसको देखते हुए जो मुजाहरीन हैं वो निकल पड़े आमिर के ख़िलाफ़ जो बहुत लंबे अरसे से इकतदार पर बैठा हुआ था तो इन मुमालिक के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि इन अरब कंट्रीज़ के अंदर कहीं बादशाहत थी और कहीं आमरीत थी तो इन मुमालिक के अंदर भी अवाम कहते हैं कि चलो हम भी एहतजाज करते हैं अरब स्प्रिंग का हिस्सा बन जाते हैं इजिप्ट सबसे पहले इजिप्ट के अंदर मुजाहरे होते हैं और इजिप्ट के जो लोग हैं मुजाहरीन हैं वो हसनी मुबारक के तीस साल तवील अकतदार को बाय बाय कर देते हैं फिर लीबिया के अंदर मम्मर कजाफी की जो हुकूमत है वो पचास सालों के बाद इख्ताम पजीर होती है यमन के अंदर अली अब्दुल्ला साल का अकतदार भी इख्ताम पजीर हो जाता है लेकिन नतज बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जिस तरह से सोचा जा रहा था अरब स्प्रिंग के नतज वैसे नहीं थे इसी तरह आगे जब शाम में सीरिया में इस तरह के मुजाहरे फूटे तो नतज बिल्कुल मुख्तलफ़ नज़र आए ये मुज़ाहे ख़ाना जंगियों में और फिर बड़ी जंगों में कन्वर्ट हो गए और इतनी तवील जंगें कि आज भी ये जंगें जारी हैं ख़बरों में भी हैं सुर्खियों में भी हैं लेकिन इस तरह से एक तो हाई नहीं होती और दूसरा इंटरेस्ट बहुत कम हो गया मुसलमानों का अभी भी इंटरस्ट है इन जंगों के अंदर जो कि सीरिया के अंदर यमन लिबिया के अंदर जारी हैं क्योंकि ना सिर्फ़ इन जंगों ने डिवाइड कर दिया मुसलमानों को बल्कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया बैरूनी ताकतें भी आकर यहाँ पर एक मैदान उन्हें मिल गया और अपनी अपनी प्रॉक्सियाँ यहाँ पर बैरूनी ताकतें भी लड़ाने लगें दहशत गर्द भी यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने लगे और अभी भी ये जंग जारी है जो कि एक इनकलाब को लेकर शुरू हुआ था एक काम और ये जंगों में कन्वर्ट हो गया और इतनी बड़ी और इतनी तवील जंगें कि आज भी ये जंगें जारी हैं और कोई सिरा कल तक कोई सिरा नहीं मिल रहा था कि इस तरह से ये जंग रुक सकती है इस पार्टी को बिठा दिया जाए तो ये जंग रुक जाएगी इस तरह से मुसलमान जो हैं वो दोबारा से यूनाइटेड हो सकते हैं मुसलमान मजबूत हो सकते हैं कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अब उम्मीद की एक किरण तो नज़र आई है लेकिन रोड़े अटकाने वाले अभी भी रोड़े अटकाते हुए नजर आ रहे हैं बहुत बड़ा और तारीखी जिस तरह सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चाइना की जानव से एक माहिदा करवाया गया एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया इसी तरह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है उसका सालस कौन है रोड़े कौन अटका रहा है और ये जंग खत्म होने का माहिदा होने का मतलब क्या है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं मैं जो अरब स्प्रिंग में बात कर रहा था जो कि तनीशिया से फिर इजिप्ट में सीरिया लीबिया यहाँ पर फैलती गई तो यहाँ पर मसला क्या हुआ तनीशिया जैसे नतज क्यों सामने नहीं आए मिसाल ले लेते हैं सीरिया की शाम जहाँ पर इसी तरह के एहतजाज शुरू हुए बशारुल अस्सद के खिलाफ यह आपको नज़र आ रहा होगा बशार असद के खिलाफ, खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ बशारास्सद ने रजिस्ट करना शुरू किया इन मुजाहरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की असद ने जो कि एक शिया माइनॉरिटी कंट्री के अंदर एक शिया हुक्मरान थे जो कि दहाइयों से इकतदार पर बैठे हुए थे ये सुन्नी मेजोरिटी कंट्री सीरिया जो शाम है यहाँ पर फिर सऊदी अरब जो है वो मुज़ाहन का साथ देने के लिए आ गया ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमरीका यू के फ्रांस तुर्की भी सऊदी अरब का साथ देने के लिए आ गए असद की जो हकूमत है उसको धकेलने के लिए अब सऊदी अरब और ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये चाहते थे कि एक यूनाइटेड अरब बने और यहाँ पर तमाम जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी एक ताकत उभर कर सामने आए लेकिन नतज य मुख्तलफ़ सामने आए क्योंकि दूसरी जानब बशारद की हकूमत को बचाने के लिए ईरान मैदान में आ गया बशारद का साथ देने के लिए और ईरान के साथ आ गया रशिया और अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में लड़ पड़े लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जो दहशत गर्द तनजीमें हैं जैसे दाइश है वो भी आ गई बहती गंगा में हाथ धोने के लिए और फिर जो कुर्द्स हैं उन्होंने भी देखा कि सिचुएशन ऐसी है कि चलो हम भी इस लड़ाई में निकल पड़ते हैं अब कुर्द्स मैं आपको बता दूँ कि कुर्स तुर्की में भी हैं इराक़ में भी हैं सीरिया के कॉर्नर में भी हैं और तुर्की के सदर रजब तबरदवान इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं क्योंकि ये अपना एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं यूनाइट होकर और जिस जिस कंट्री के अंदर ये अपने अलहदा मुल्क की मूवमेंट्स चलाते हैं वो वो कंट्री ज़ाहिर है उसकी हकूमत इनके खिलाफ है तो तुर्की ने यहाँ पर कुर्द से भी लड़ाई करना स्टार्ट कर दी अमेरिका सऊदी अरब फ्रांस यूके और दूसरी जानब ईरान और रशिया ये आपस में भी लड़ रहे थे यहाँ पर दहशत गर्दों के खिलाफ भी लड़ाई हो रही थी यानी कि इस तरह की खिचड़ी यहाँ पर पक गई और उसमें मुतासर कौन होता रहा और अब भी हो रहा है अभी भी ड्रोन हमले मिसल हमले किए जा रहे हैं सीरिया के ऊपर ये जो बैरूनी ताकतें हैं ये जो अब ये जो जंग है ये रिलीजियस वॉर भी है ये प्रॉक्सी वॉर भी है ये दहशत गर्द भी यहाँ पर आ गए ये सेक्टेरियन वॉर भी बन गई और यहाँ पर मुतासर हो रहे हैं सीरिया के अवाम आज से नहीं बल्कि 2011 के स्टार्ट और 2010 के अख्ताम से आज तक ये जंग ये हमले इसी तरह से जारी हैं और सीरिया के अवाम मुतासर हो रहे हैं इवन के जलजिला भी आ गया सीरिया के अंदर लेकिन कोई वहाँ जाने की गलती और हिम्मत नहीं करता कि हम क्यों इस जगह पर जाएँ जहाँ पर कहाँ से कौन सा ड्रोन आ जाए या कहाँ से कौन सा मिसाइल आकर गिर जाए कोई पता नहीं लगता तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर अमन का कौन सा सिरा आपको नज़र आता है किस पार्टी को बंदा पकड़ कर बिठाए टेबल पर कि ये जंगें जो हैं ये बंद हो जाएँ मुसलमान फिर से एक हो जाएँ फिर से मजबूत हो जाएँ तो इसका आगाज़ किया चाइना ने चाइना ने बिठाया सऊदी अरब और ईरान को एक टेबल पर एक माहदा तय करवाया 10 मार्च 2023 को और उसके बाद ये उम्मीद पैदा हो रही थी कि इन दोनों ममालिक के साथ जो कि बड़ी ताकतें हैं दुनिया के मुसलमानों की इनके साथ बैठने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और ये मसाइल भी जो कि लीबिया सीरिया यमन वगैरह में जो मसाइल चल निकले थे 2011 में ये भी हल हो जाएंगे और ऐसा अब नज़र आ रहा है कि हो जाएंगे ये हल क्योंकि असद ने मुलाकात की रूस के सदर वलादिमिर पुतिन से इस मुलाकात में मैं आपको बता कि इन्होंने गुफ्तु क्या की रूस के सदर वलादिमिर पुतिन ने कहा कि हम आपका साथ देते हैं आपके जो इकतदार है उसके खिलाफ जो एक ग्रोह चल निकला वो इस तरह से इलीगली इली आपको इकतदार से नहीं हटा सकता तो इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि रूस ही वो सालस है जो कि माहिदा करवाने वाला है सीरिया और सऊदी अरब के दरमियान और अकॉर्डिंग टू कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स फितर के बाद ये माहिदा तय पाएगा सीरिया और सऊदी अरब के दरमियान सीरिया के जो सरबरा हैं असद उन्होंने बहुत सालों के बाद दौरा किया यूनाइटेड अरब एमरेट्स का मतहद अरब अमारात का इन्होंने दौरा किया और वहाँ पर मुलाकात की और ये साइन था कि अरब ममालिका जो कि तल्लक तोड़ चुके थे सीरिया के साथ अब वो ताल्ल दोबारा से बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी सालसी करेगा रशिया पहला जो माहिदा हुआ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इसकी सालसी की चाइना ने अब इस माहे की जो कि सीरिया और सऊदी अरब के दरमियान जो माहिदा होने वाला है इसकी सालसी करेगा रशिया ईदुल्फित्र के बाद और इस माहे के बाद होगा क्या इस माहे के बाद क्या ये जो इतनी ज़्यादा लड़ाई इतनी ज़्यादा जो चपकलश सीरिया के अंदर शाम के अंदर हमें नज़र आ रही है क्या ये एकदम से ख़त्म हो जाएगी इतना आसान नहीं है अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो माहे गुजा कई सालों कई दहाइयों तक होते रहे उनका सालस जो गारंटर था वो अमेरिका ही था लेकिन अब जो गारंटर के तौर पर बड़े बड़े माहिदों के गारंटर के तौर पर सालस के तौर पर सामने आ रहे हैं वो चाइना है और रशिया है और इस बात की तकलीफ़ अमरीका को है कि अमरीका की जो दादागिरी है वो ख़त्म हो जाएगी इन कंट्रीज़ के अंदर जिन्हें अमेरिका इस तरह की प्रोक्सीस के अंदर इन्वॉल्व होकर ब्लैकमेल करता है तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इसी वजह से अमेरिका की जानब से गुज्तर रात हमले किए गए अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि सूरत हाल क्या है सीरिया के अंदर ये गवर्नमेंट बशारद के कंट्रोल में है ये इलाक़ा जो आपको साइड पे इलाके नज़र आ रहे हैं वो हैं ओपोजिशन के कंट्रोल में जो येलो कलर के आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ईरान मौजूद है और जो बिल्कुल कॉर्नर में आपको इलाका नजर आ रहा है एस डी एफ का वो है क्रथ्स कुर्स ने इस इलाके को कंट्रोल किया हुआ है और यहाँ पर अमेरिका की बेसिस भी हैं अमेरिका के फौजी भी हैं तुर्की फ्रांस यूके के भी हैं यहाँ पर कुर्थ भी हैं यहाँ पर रशिया और ईरान के भी हैं यहाँ पर कुछ दहशतगर्द तनजीमें भी हैं जो ऑपरेट करती हैं और मुतासर होते हैं सीरिया के शाम के आवाम और अब भी मुतासर हो रहे हैं और अमरीका ने अब गुजत रोज़ फिर से हमला किया ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि ईरान की जानब से हमारी बेस के ऊपर हमला किया गया था हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया और छः से ज़्यादा ज़ख़्मी हुए इसलिए हमने बमबारी की है ईरान के ठिकानों पर जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ठिकानों पर और हमने 11 जो हैं वो हलाक कर दिए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी फिर उंगली उठाकर धमकी भी दी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को और ईरान को कि अगर हमारे साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो हम इस तरह से जवाबी कार्रवाई करेंगे लेकिन हकीकत मैं आपको बता दूं कि हकीकत ये है कि अमेरिका ये आखिरी तीन सांसें ले रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यहाँ से अपना सामान जो है वो पैक करना शुरू कर दिया और वो यूरोप की जानब और इंडो पैसिफिक की जानब मूव करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ से अब अमरीका की दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है और वो दुकान बंद करेंगे चाइना और रशिया और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के सदर जो बाइडन के दौर में कोई एक झटका नहीं बहुत सारे झटके अमेरिका को लगे हैं और ये अमेरिका की सुपर पावर का जो ताज है उसका अख्ताम इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है और इस जंग का अख्ताम भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये माहिदा एक बहुत बड़ी खबर एक अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए स्पेशली ये एक बार फिर से मुसलमान मजबूत भी होंगे यूनाइटेड भी होंगे और इन मसाइल को एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप हल करने का सिलसिला अब चल निकला है जिसे अमरीका चाह कर भी नहीं रोक सकता क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी को भड़काता था या जिसका साथ देता था अब वो दोनों पार्टियां साथ बैठ गई सऊदी अरब और ईरान साथ बैठ गए इसलिए अमेरिका अब यहाँ से शाम से अपनी दुकान जो है वो बंद करके निकलना शुरू हो गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और ईद फितर के बाद ये जो माहदा तय पाना है सीरिया और सऊदी अरब के दरमियान इससे कबल अमरीका की कोशिश है कि वो आखिरी कोशिश करके देख ले यहाँ का अमन ख़राब करने की आखिरी कोशिश अमेरिका की जानब से की गई है ईरान की जानब से भी अमेरिका को वॉर्न किया गया है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे हम तुम्हारे ठिकानों को निशाना बनाएंगे लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक अब ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे मामला एक बार फिर से ग़लत फहमियों की जानब जाएँ अमरीक़ा की चालों को समझते हुए बहुत एहतियात के साथ ये जो ममालिक हैं ये जो पार्टियाँ हैं जो कि इस माहे के अंदर इन्वाल्व हैं इन्हें इस माहे पर फोकस रखना चाहिए ना कि अमेरिका पर जो कि यहाँ से पैकअप करता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत जल्द अमेरिका नौ दो ग्यारह हो जाएगा जिसके बाद ये जो ख़त्ता है ये जो रीजन है ये जो मुमालिक हैं इनके अमन की बहाली का जो सिलसिला है वो भी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाएगा दुआ भी करें इस मुबारक महीने के अंदर कि ये जो माहे तय पा रहे हैं और इस तरह से जो स्टेप बाई स्टेप अमन की जानब जा रहे हैं ये ममालिक और मुसलमान इतहाद की जानब जा रहे हैं हाथ में ला रहे हैं एक दूसरे से ये इसी तरह से माहदे कायम भी रहें और इन पर अमल दरामद भी होता रहे और अमरीका जैसे स्पॉयलर को भी ये ममालिक बता दें कि ओ आई सी के, के प्लेटफॉर्म पर जब तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं और फिर चाइना और रशिया भी साथ हों तो फिर क्या मजाल तुम्हारी और तुम्हारे इतिहादियों की कि तुम हमारे अंदर आकर अमन ख़राब करो अपने मकासद के हसूल के लिए नजर रखेंगे इन मामला पर इन एग्रीमेंट्स पर और इस स्पॉयलर पर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के हवाले से बात करेंगे अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ